से लेकर तक ताली बजाते रहे। तो जल्दी ही एडीआरएम का प्रयास करेंगे अपना यहाँ पर रामगढ़ और गोविंदगढ़ में कर देंगे। जल्दी से जल्दी रामगढ़ और गोविंदगढ़ के अंदर एक रिजर्वेशन विंडो खोली जाए, जिसके माध्यम से यहाँ पर हमको ये कहने का तो अवसर मिलेगा कि देखो हमने कितना रेवेन्यू दिया है, अब प्रयागराज की भी बारी है, उसको भी रुकवाने का आप लोग काम करें। जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक रिजर्वेशन विंडो खोली जाए और रामगढ़ के अंदर भी खोली जाए, गोविंदगढ़ के अंदर भी खोली जाए। और मित्रों ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं तो अभी मुझे कल परसों पता लगा था कि गोविंदगढ़ के अंदर आजादी के बाद में एक पहली ऐसी ट्रेन है जो एक्सप्रेस ट्रेन रुकने का ठहराव यहाँ पर सुनिश्चित हुआ है। अभी तक यहाँ पर केवल पैसेंजर गाड़ी रुकती थी, पहली ऐसी ट्रेन है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ पर रुकेगी। और इससे मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस गाड़ी के रुकने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा कि इसकी शुरुआत में और इसके रुकने के पश्चात में आने वाले भविष्य में अगर प्रयागराज हो या कोई अन्य गाड़ी भी हो तो उनका भी मार्ग खुला है। और निश्चित रूप से आप इस गाड़ी से ज्यादा यात्रा करें, क्योंकि जितनी ज्यादा यात्रा करेंगे तो उतना ही लाभ हमारी सरकार को मिलेगा, रेलवे को मिलेगा, और साथ ही साथ में हम इस कहने के हकदार बनेंगे कि देखो हमने आपने एक गाड़ी रोकी थी आजादी के बाद में, हमने इतना पैसा उस गाड़ी को दिया है टिकटों के माध्यम से, अब हमारा अधिकार बनता है कि आप हमें प्रयागराज भी दें, ताकि रेलवे डिपार्टमेंट भी कुछ कह पाए, माननीय मंत्री जी से हम भी कुछ कह पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस गाड़ी के माध्यम से यात्रा करें और भगवान गोवर्धन के दर्शन करें। इधर जयपुर की यात्रा करनी हो, बाड़मेर तक जाना हो, तो हम सब का रास्ता एक सुगम रेलवे के माध्यम से आगे हुआ है। आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से हम एकजुटता के साथ में अपने भारत निर्माण के लिए काम करें। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ में, मैं बोलूंगा धन्यवाद भाई धन्यवाद, आप क्या बोलेंगे? मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। मैं बोलूंगा यही धन्यवाद धन्यवाद, आप बोलोगे अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, अश्विनी बोल दो खाली वैष्णव जी तो अपने आप हो जाएंगे प्रसन्न। धन्यवाद भाई धन्यवाद, अश्विनी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, अश्विनी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, अश्विनी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद गोविंदगढ़ रामगढ़ और पूरे अलवर क्षेत्र की जनता का, जिनकी मनोकामना को भगवान ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, क्योंकि आप सबकी काफी सबसे बड़ा योगदान इस ट्रेन के ठहराव के लिए, क्योंकि आप सबकी मनोकामना थी, आप सबकी इच्छा थी, तभी जाकर ये सब पूरा हुआ है। तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे गोविंदगढ़ रामगढ़ पूरे अलवर क्षेत्र की जनता को जाता है इस ट्रेन को रुकवाने में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।